दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, गल रोवण बाजे ओ भोलिया, दिल किथे बिस्मिल्लाह खड़ा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी फरहाद खान और आप देख रहे हैं FK मीडिया प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की वो नामवर शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उस्ताद घराने से इनका ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला ने आपको जो नाम दिया, जो पहचान दी, जो उरूज दिया, वो बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। मैं नाज़रीन, आज तो हमारा चूंकि मीज़ान सिटी का ओपनिंग सेरेमनी है, सेरेमनी ये स्पेशली तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इनका ताल्लुक जो है जंग से है, तो इनको जो मकाम मिला वो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो हमारी खुशनसीबी है। मैं इनका ज़ाती तौर पर फ़ैन हूँ और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मेरी इनसे शर्फ़ मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फरहाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप ये बताएं कि कब से गा रहे हैं आप? देखो जी, ये जद्दोजहद मेरी 40 साल में मेहनत करता रहा और मैं हर तकलीफ बर्दाश्त। जी नाज़रीन, जैसे कि जहूर अहमद लोहार साहब फरमाते हैं कि मैं 40 साल से जो है कल्चर की खिदमत कर रहा हूँ और बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए, बहुत सारे सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। अल्लाह ताला ने इनको सब्र का फल जो है वो मीठा ही दिया और ये हमारे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के फेमस तरीन स्टार बन गए। यूट्यूब पे आजकल आर्टिस्ट को देखा जाता है, सोशल मीडिया पर देखा जाता है, इनकी वीडियो जो है वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया। तो आपको 100 मिलियन होने पर मुबारक देते हैं जी पहले। खैर बार। अच्छा, जिस गाने ने आपको उरूज पर लेकर गए, हमारे नाजरीन चाहे उसके अतरस्ताई। इस गाने का जो असल मकसद है जी, पैसे मिले, सज्जन बेली दोस्त रिश्तेदार, जवानी मस्तानी अन्य खर्च करता रहा, वो वक्त चला गया, पैसे लग गए, बेली लग गए, तन तनहा कला बैठा है और बड़ा परेशान बैठा है, कोलू बच्चे लग दे, कोई वट्टा मार देता है, कोई ठुडा मार देता है, उसने रो के अपने आप रुआ दे। दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, गल रोवण बाजे ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है। अपने आप रहा है, जग ठगबाज दा इल्म तहाया, नाज अदाई ते डुलना नाया, मनुख लवाजे भोलिया, दिल किथे खड़ा। वाह नाजरीन, बहुत अच्छा, उम्दा। नाजरीन, अगर इस पर बात की जाए तो हमारे मुल्क में कल्चर की जितने भी खिदमत करने वाले हमारे सीनियर लोग हैं, उनको वो इनाम नहीं मिलता। आप इंडिया देख लें, हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें और देख लें हॉलीवुड वगैरह, जहाँ पर भी हम देखते हैं आर्टिस्टों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, आर्टिस्टों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है। इन्होंने गुज़िश्ता 40 साल से कल्चर की खिदमत कर रहे हैं और इनका ताल्लुक जंग से है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को भी कभी भी मायूस नहीं करता। जो लोग मेहनत और स्ट्रगल करते हैं तो उनको उनका मुकाम, उनका जो फल होता है सब्र का, वो ज़रूर मिलता है। जितनी स्ट्रगल की है, आज के सॉन्ग्स के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया और सॉन्ग से पहले क्या था? मैं आज भी वो सादा जी जो पहले सादा हूँ। जी अल्लाह ताला ने मैनू अखीर नाम अता किया, इज्जत रिस्क भाग जी, बच्चे जी, बेली दोस्त, और मैं अल्लाह ताला दे शुक्र अदा करदा करदा इस दुनिया तू चला जावा, तद भी थोड़ा है कि अल्लाह ताला ने मेरे च। आपने जो दुनिया पे से जाने की बात की है, अल्लाह ताला आपका साया शफकत जो है हमारे सरों पर कायम रखे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। यानी कि मेरे अंदर मालिक ने गरूर नहीं आवा दिता, तकबर नहीं आवा दिता, और ये चीज़ा हो दिया कि एक स्टेज मिल जाए उन्होंने सामने बढ़ दिया चीज हो दिया। सादा रहो, किसी का हक ना खाओ, धी नू धी समझो, भैन नू भैन समझो, माँ नू माँ समझो, क्योंकि कब्र हरगिज नहीं चुक सकती, मौत हरगिज नहीं चुक सकती, चुक सकती वारी वारी नाल जा रहे। उत्थे 6 फुट लंबाई, 3.5 फुट ऊंचाई, 2 फुट चौड़ाई, इस दरम्यान दे विच बंदे ने जवाब देना है। तो इत्थे ख्याल करसी, इत्थे हया करसी,
तो जमीन कबर भी उदाहिया कर सी। अच्छा बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। ये बताएं खानों की फैमिली से ताल्लुक है, मालदार लोगों की फैमिली से ताल्लुक है या नॉर्मल फैमिली है? सही ऐसा फकीर लोग है। वाह वाह। शुरू तो ही सानू ए फकीराना रंग पसंद है, सानू दौलत नहीं पसंद। रब दी जात दी रहमत पसंद है, रब दा कुर्ब पसंद है, अरबी लजपाल दा कुर्ब पसंद है। इस वास्ते मालिक ने वक्त तो थोड़ाया नहीं ते जमा दी जदों शौक ही नहीं गलता है। और जे अगर जो माल मिले तो दिल च कलहाई आउंदी है कि अल्लाह ताला दे बंदे दी खिदमत करा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज़ूर अहमद लोहार साहब, जब आपके बहुत सारे गाने उस तरह फेम नहीं हुए थे, आप ख़ुद से अपनी जेब से जो है रिकॉर्डिंग करते थे, तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आप ये बताएं कभी ऐसा कोई वक्त आया हो कि आप कहीं जा रहे हो, आपकी जेब में किराया ना हो, घर में फाके चल रहे हो, मुश्किल की ज़िंदगी हो, किसी जगह पर गए हों, किसी दोस्त ने आपको बुलाया हो, वहाँ पर आप गए हों और दोस्त ने आपकी कॉल अटेंड ना की हो और आपको किसी ऐसी जगह पर स्टे करना पड़ा हो के बहुत मुश्किल हो, बताएं जरा हमारे साथ शेयर करें। सही अगर वो मुश्किल तुसा पूछना चाहो तद भी मैं नहीं दसना कि तुहाडी बर्दाश्त चू भी गल बाहर। वाह वाह। जो रब दी जात ने मैंने हिम्मत ताकत अता फरमाई मैं बर्दाश्त करके आया। माशाल्लाह। वो हर बंदे दा वस दा रोग नहीं होंदा बर्दाश्त करना, बस मालिक रहमत फरमा देती है। वो भी इन्हीं की अल्लाह ताला की आजमाइशों में से एक आजमाइश। ये बात है, असल ये बात है कि अल्लाह ताला जो दो अपने बंदे ते इम्तिहान देंदा है, बहुत खुशियां ही देंदा है। और खुशी मैं सोच सकना जितनी मिली, पूरी दुनिया ते नाम है, पूरी दुनिया ते गाना चल रहा है, कालाम दिया। अच्छा ये बताएं हमारे मुल्क में बहुत सारे आर्टिस्ट, आजकल तो टिकटॉक भी आ गया, टिकटॉक शायद आप देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन टिकटॉक पे आपके गाने जो है आपके फ़ैन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। ये बताएं कि हमारे मुल्क में उन आर्टिस्टों को क्या मैसेज करते हैं जब वो स्टारिज़म में आते हैं, स्टार बनते हैं तो एटीट्यूड आ जाता है, एटीट्यूड तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, तो उस आर्टिस्ट के बारे में क्या कहते हैं कि जो आर्टिस्ट एटीट्यूड को अपना लेता है और वो समझता है कि जहां पर मैं पहुंचा हूं यहां से मैं माइनस नहीं हो सकता। सही मैं मुक्ति जी गलत वर करा, पहली गलत कर रहा कि जितने आर्टिस्ट लोग हैं मैं तो सारे बेहतर है। वाओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मारा जी हकीर जी इंसान। और दूसरा मैंने सब तो बड़ी खुशी हुई है कि अरबा दे हिसाब दुनिया रोजी कमा रही हो, वो मैं ठंडक मिल रही कि अल्लाह तला के बंदे मैं चलो कहीं दे काम आ गया, किसी दे काम आ गया, मैं आवारा नाम जी, मैं कहीं दे काम आ गया। माशाल्लाह सर एक मैसेज चाहते हैं आपसे लास्ट में, और वो मैसेज ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो कोरोना वायरस का तीसरा स्पेल जा रहा है और कहते हैं कि ये बहुत सख्त है, तो ऐसी सूरत में जो साहिब सरवत लोग हैं वो तो मैनेज कर पा रहे हैं, जो साहिब सरवत नहीं है और मिडिल क्लास से भी बहुत ज़्यादा कम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे हैं कि उनके घरों में फाके चल रहे हैं, लॉकडाउन का सिस्टम है, तो आप साहिब सरवत लोगों से क्या गुजारिश करेंगे कि जितने भी साहिब सरवत लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों की मुश्किल में मदद करें? अगर आप कहेंगे तो आपके फ़ैन आपकी ये बात ज़रूर मानेंगे। साई अल्लाह ताला जिसनु दौलत देवे ना, जिसनु दौलत देवे उसनु ये चाहिदा है, उदा हक बनदा है कि जेड़े मस्कीन बैठे उन्हें तकसीम करे, अपने बैंक बैलेंस ना बनाओ, क्योंकि अगर मस्कीना ते तकसीम किए गए अल्लाह ताला खुद फरमाया जेड़ा मेरे रस्ते एक रुपया देसी मैं दस इत्थे देसा, सत्तर आखरत देसा, तो तुहाडा माल काम नहीं हो जावना, तुसा हमसाए का ख्याल करो, अल्लाह ताला तुहाडा ख्याल कर सी, अल्लाह ताला दे पहले तुहाडे दे दिता है, वो तुहाडे बैंक बैलेंस बलावन, वो बल्कि तू तांबे और लोहे दे बन के तुहाडे सीने नाल गरीबां तकसीम करो, ते ये सत्त सख्तियां क्यों आ रही हैं? असा अल्लाह ताला दी जिहड़ी रस्सी मजबूती वाली आई ना थामणी,
वो छोड़ गए। बहुत शुक्रिया हमारे पूरे पाकिस्तान के लेजेंड और जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं उनके लिए, हम सब के लिए काबिल एहतराम आज हमारे मैजान सिटी के खूबसूरत शो में ये तशरीफ लाए हैं जंग से, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन अपनी दुआओं में मुझे और जहूर अहमद लोहार साहब को याद रखें। अल्लाह ताला दी बारगाह च आजी करदा पिया कि मेरे को लफ्ज़ां च कोई गलती कोताही हो गई और मखलूक दे वास्ते ये पिया ना कि कोई गलती कोताही होगी, मैंने माफ कर। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।